तब भी लोग कह रहे थे कि रमन सिंह के क्षेत्र में नहीं आएंगे, लेकिन उसके क्षेत्र में आया, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी मुझे, न केवल मुझे बल्कि मेरे साथियों को भी। FIR किया गया, झूठे प्रकरण में फंसाए गए, जेल में डाले गए, मुझे और मेरे पूरे परिवार को मां सहित थाने में बैठना पड़ा, मेरी पूरी संपत्ति की जांच कराई, घर की जांच कराई, माँ कभी थाने नहीं गई थी उसको बिठा दिया गया, बड़ी कीमत चुकाया मैंने, डरता नहीं मैं। और अभी रमन सिंह जी दिल्ली जाते हैं या यहाँ केंद्रीय मंत्री आते हैं तो चुपका देते हैं, चुपका ये और बचा, इसका और जांच करो, इसका और जांच करो, इसका और जांच करो, तो जितना कोशिश कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जितना जब सत्ता में थे खुद प्रताड़ित किया, अब यहाँ नहीं है तो दिल्ली के माध्यम से उतर आ रहे हैं, तो जितनी कोशिश कर ले, और इसीलिए उसके मुंह से क्या निकलता है, मैं चूहा हूँ, ये सामंती प्रवृत्ति और उसके जो अंदर की जो घृणा है वो निकल रहा है। मैंने कभी उसके बारे में इस प्रकार से बात नहीं की। भानु प्रताप के चुनाव में उन्होंने सीधा कहा, ये मुसुआ है, इन बघुआ बन गया, फिर मुसुआ बनाना है। फिर चूहा बोला, बिल्ली बोला, कुत्ता बोला, ये उसी की शोभा थे, उसी को मुबारक। मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ और छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में लगातार काम करते रहा हूँ, जितना अड़चन डालना है डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।